मकसद है तीन खाने कानून वापस लेना। किसी चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे बुजुर्ग किसान हो, चाहे बच्चा किसान हो, सबका मकसद है कि हमारे तीनों किसान बिल वापस होने चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि बोलने की आजादी है भारत में। अगर कोई अपना भाई कुछ बोल भी दे तो उसे क्षमा याचना समझ लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो हम सही दिशा की तरफ पढ़ रहे हैं, हमारा भारत सरकार पर दबाव बनाने का उद्देश्य है, व्यापार बंद करने का उद्देश्य है, भारत सरकार पर दबाव बनाना, उसको लेकर हम सब चल रहे हैं। अभी पिछली बार इन्होंने जो नियम कानून बनाया, कह रहे हैं कि भाई हम जो भी मंत्री आएगा या भाजपा का राज्य मंत्री हो या सरकार का अधिकारी उच्च अधिकारी हो, उसका विरोध करें। मैं आपको बता दूं, नानदत्त तिवारी की सरकार थी और वो अध्यादेश लाए थे, काशीपुर में हमने उनका विरोध कर रखा था और हमने ये बना रखा था कि जो भी लाल बत्ती की गाड़ी गुजरेगी हम उसको वापस करेंगे। तो ये हमारा विरोध करने का ढंग है। लेकिन कोई छोटा बच्चा अगर गलती कर जाए तो उसे समझाया जाए, हम उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। एक गार्जियंस के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारा बच्चा कोई गलती कर दे तो हमें उसे समझाना है, सरकार से भी बात करनी है और उसको बचाना है। ऐसा नहीं कि हम उसे बीच मजदार पे छोड़ दें, तो ये गलत है, क्योंकि वो हमारे बेस पे, क्योंकि आज जितने बच्चे आए हैं हमसे बहुत छोटे उम्र में, वो आगे आने वाले किसान भी बन सकते हैं, अधिकारी भी बन सकते हैं, कोई विदेश भी जाएगा। लेकिन अगर हम उनको छोड़ देंगे तो कल को हमसे कोई साथ में नहीं जुड़ेगा। बच्चा गलती करे तो उसका मतलब ये नहीं कि बीच में छोड़ दें। किसी का बाप का बेटा अगर कोई गलती करते तो वो ये जरूर कहता है दुनिया से कि साहब मेरे बच्चे से पहली गलती हुई, इसे माफ कर। तो हम उनके गार्जियन होकर ये कर सकते हैं। जब उन बच्चों से हुआ तो हमने कहा कि भाई आज के बाद नहीं होगा। और हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा मकसद है केवल किसान बिल वापस होना चाहिए, MSP लागू होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। और भाजपा सरकार, क्योंकि वजह क्या है कि ये कानून भाजपा सरकार लाई है, तो भाजपा के नेताओं के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इसे बिल्कुल लाती तो कांग्रेस के खिलाफ बोलना पड़ेगा, कोई भी पार्टी लाएगी उसके खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है कि अगर यही बिल किसानों के हित में विपरीत में कांग्रेस लाई होती तब भी तो हमें बोलना पड़ेगा, तो भी तो हमें उन्हें गाली देनी पड़ेगी। मतलब हमारा मकसद है सरकार को जगाना कि जो बिल किसान को चाहिए ही नहीं आप उस बिल को वापस लीजिए, उसमें संशोधन करिए या दोबारा से लाइए, और कोई हमारी लड़ाई नहीं है। और मेरा सबसे विनम्र आग्रह और अनुरोध है कि आप इसे व्यक्तिगत लड़ाई न समझें, ये सभी किसान भाइयों की लड़ाई है, ये सभी मजदूरों की लड़ाई है, ये व्यापारी की लड़ाई है। अब आप कहेंगे व्यापारी की कैसे, अगर किसान की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो इन व्यापारियों का माल कौन खरीदेगा? व्यापारी का माल तभी तो बिकेगा जब किसान की जेब में पैसा होगा। आपने देखा होगा बाजार में रौनक तब आती है जब किसान की फसल पक जाती है, जब किसान की जेब में पैसा नहीं तो किसान बाजार जो है उज्जवल दिखाई देता है। तो सब कुछ व्यापार किसान से है, मजदूर से है, तो इन सबको साथ लेकर चलना है। और मेरा आग्रह है कि इसे बात विवाद में नहीं डालना चाहिए, और कोई बात हो जाए तो उसे माइक से न कहे, आपस में चार भाई बैठ के निपटाओ। मेरा आपसे आग्रह है और मैं किसान यूनियन के पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अभी तक, मैं पहले कहता हूँ कि मैं जब किसान के प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं विधायक की बात करता ही नहीं। मुझे आज सुबह जब कोतवाल साहब का आया फोन के साथ, किसान यूनियन का कहना है कि विधायक समर्थित किसान इसका प्रदर्शन करेंगे। मैंने कहा साहब गलत, मैं किसान होने के नाते जाऊंगा, विधायक से मेरा कोई मतलब नहीं, विधायक हूं मैं सदन में, जनता के बीच में मैं जनता का हूं और किसान के साथ खड़ा हूं, यही मैंने उन्हें आश्वासन दिया था। और मेरा आग्रह, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत शांतिपूर्वक हमारा बीत गया, अब इसको समापन 1 बजे तक का टाइम सब किसान यूनियन वालों ने तय रखा था, हीरा गार्डन में मीटिंग हुई थी, क्योंकि व्यापारी हमारे कह रहे थे 12 बजे तक, किसान यूनियन हमारे पदाधिकारी थे 12 बजे से 2 बजे तक। मैंने उनको फोन किया व्यापार मंडल वालों को, मैंने कहा भैया ना दो नहीं नहीं पा रहे, एक कर लो, क्योंकि त्यौहार है और शुक्र का दिन है, सप्ताह का एक बाजार पड़ता है और उसमें जो मजदूर जो गरीब फड़ वाले हैं उनको लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि वो कच्चा सामान लाते हैं सब्जी उब्जी। तो ये निवेदन सबने स्वीकार किया, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, किसानों को भी बधाई देता हूँ। और ये आंदोलन चार साल भी चल सकता है, इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि चुनाव केंद्र में 4 साल बाद है। लेकिन जो किसान हिम्मत से लड़ रहा है उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी है। हम तो यहाँ है, जो बॉर्डर पे है उनसे पूछो, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो आराम से पंखे में सो रहे हैं, कोई AC में सो रहा है, कोई गाड़ी में घूम रहा। उन किसानों से पूछो जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, जैसे उन सैनिकों को कोई याद नहीं करता जो माइनस डिग्री पे खड़ा है, ऐसे हमें कोई किसानों उन किसानों को याद नहीं करता, हम अपनी उसमें लड़े जा रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह, हाथ जोड़ के निवेदन कि ये संयुक्त किसान मोर्चा प्रोग्राम ऐसे चलाते रहे और सबकी सहभागिता लें, कोई कम की सहभागिता हो सकती, कोई ज्यादा हो सकती। और सबका बधाई और धन्यवाद, शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा, और व्यापार भाइयों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय